हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, नवंबर का महीना शुरू हो चुका है और शिबा इनू और क्रिप्टो मार्केट से जुड़ी कुछ लेटेस्ट अपडेट्स निकल कर आ रही है। सारी अपडेट्स हम इस वीडियो में कवर करेंगे, लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं दोस्तों, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही टेलीग्राम चैनल का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, आप उसे भी ज्वाइन कर लें, वहां पर भी आपको हर एक अपडेट सबसे पहले प्राप्त होगी। तो दोस्तों, सबसे पहले मार्केट ओवरव्यू की अगर हम बात करें तो आप देख सकते हैं 24 आवर्स में मार्केट 2.27% डाउन में है। BTC यहां पर नीचे की ओर आया हुआ है, $60,000 पर ये ट्रेड कर रहा है। और दोस्तों, आज का जो दिन है जहां पर आप देख सकते हैं मार्केट ओपन हुआ है, BTC यहां पर डाउन में। अगर हम यहां पर शिबा इनू की बात करें तो आप देख सकते हैं शिबा इनू अभी ट्रेड कर रहा है $0.00072 पर। 24 आवर्स में इसका प्राइस लगभग 10% ऊपर की ओर है। कल भी हमने आपसे कहा था दोस्तों कि ब्रेकआउट मिल सकता है, क्योंकि वहां पर इसका प्राइस लगातार कंसोलिडेशन जोन में। यहां पर अगर आप देखें तो जो लो प्राइस गया है 24 आवर्स में, वो $0.00058 का सपोर्ट अभी यहां पर बना हुआ है। जो नेक्स्ट टारगेट हो सकता है, जैसा कि यहां पर दिख रहा है प्राइस जो है पंप हो रहा है, नेक्स्ट टारगेट यहां पर 0.80 भी हो सकता है। इंडियन रुपीस की अगर हम बात करें तो अभी ये ट्रेड कर रहा है 0.005 की रेंज में। मार्केट रेंज 9 है और वॉच लिस्ट की अगर हम बात करें तो 15,86,680 लोगों की वॉच लिस्ट है। दोस्तों, ट्रेडिंग वॉल्यूम अगर आप देखें तो वो लगभग अभी 4% डाउन में गया है। डीप में कई लोगों ने इसे बाय किया है और कई लोग अभी भी बाय कर रहे हैं, क्योंकि शिबा इनू से जुड़ी कुछ बुलिश न्यूज निकल कर आ रही है। शायद इस मंथ भी आपको यहां पर इसके प्राइस में एक बड़ा पंप देखने को मिले, शायद वैसा नहीं मिल पाए जैसा अक्टूबर के महीने में होगा, लेकिन दोस्तों फिर भी यहां से आप अच्छा खासा प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं अगर आपने इसे डीप में बाय किया हुआ है। और अगर आपने इसे हाई प्राइस में खरीदा है तो आप बिल्कुल अभी होल्ड करके रखिए। मार्केट कैप अगर आप देखें तो लगभग 11% बढ़ा हुआ है, और यहां पर अगर रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट की बात करें तो 44,17,000 से ऊपर का रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट शिबा ने दिया है। अब आते हैं दोस्तों कुछ अपडेट्स की ओर। तो दोस्तों, जैसा कि शिबा डीप में गया था और डीप में कई लोगों ने इसे बाय किया भी है, और यहां पर आप देख सकते हैं डंकन ग्रे, जिनका एक ऑफिशियल ट्विटर हैंडल है, लगभग 58,000 से ज्यादा फॉलोअर्स है, इन्होंने भी यहां पर शिबा को डीप में बाय करने की बात कही है बिफोर इट्स टू लेट। अगर हम यहां पर लिस्टिंग्स की बात करें दोस्तों, तो शिबा इनू इकोसिस्टम में जितने भी टोकन है उन सभी का प्राइस अभी के समय में बढ़ रहा है। वैसे BTC थोड़ा सा डाउन में, लेकिन अगर आप देखें तो यहां पर एक और न्यूज निकल कर आ रही है, जहां पर BKX के द्वारा बोन को लिस्ट किया गया है। डिपॉजिट ओपन हो चुके हैं दोस्तों। ट्रेडिंग की अगर हम बात करें तो वो टाइमिंग भी आप देख सकते हैं, विड्रॉल भी यहां पर ओपन हो चुका है। तो दोस्तों, एक अच्छा साइन है कि शिबा इनू के इकोसिस्टम में जितने भी टोकन्स हैं उन सभी कॉइंस का प्राइस भी बढ़ रहा है, साथ ही उनकी लिस्टिंग्स भी हो रही है। दोस्तों, शिबा का जो फैन बेस है वो कितना ज्यादा स्ट्रांग है आप इस ट्वीट के थ्रू देख सकते हैं। डेल क्रिस्टो जहां पर इन्होंने ट्वीट करके बताया हुआ है, वैसे अगर आप प्ले स्टोर पर जाकर चेकआउट भी करेंगे तो भी आपको पता चल जाएगा, ह्यूबी, बाइनेंस, कॉइनबेस, क्रिप्टो.com, ये दोस्तों कुछ ऐसे बड़े एक्सचेंजेस है जिसमें दुनिया के सबसे ज्यादा परसेंटेज लोग यहां पर क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट करते हैं। अगर हम बाइनेंस की बात करें तो वर्ल्ड का नंबर 1 एक्सचेंज है। कॉइनबेस की बात करें तो USA का लीडिंग एक्सचेंज है। क्रिप्टो.com और ह्यूबी भी काफी बड़े एक्सचेंज है। और यहां पर अगर आप प्ले स्टोर पर देखें, इन्होंने अपनी एप्लीकेशन पर शिप के थ्रू कई लोगों को यहां पर अट्रैक्ट करने की कोशिश भी की है। आप देख सकते हैं इनका जो टाइटल एप्लीकेशन का, उसमें आपको शिप भी देखने को मिलेगा। बाइनेंस भी यहां पर यूज कर रहा है शिबा का नाम, उसके अलावा क्रिप्टो.com, कॉइनबेस सभी यहां पर शिबा का यूज कर रहे हैं, जिससे आप ये समझ सकते हैं दोस्तों कि शिबा आज के समय में कितना ज्यादा पॉपुलर हो चुका है और बहुत ही कम प्राइस में अवेलेबल है, साथ ही कई लोगों का सपोर्ट भी इसे मिलता हुआ नजर आ रहा है। और अगर हम बात करें दोस्तों यहां पर शिबा की यूटिलिटी की, तो क्या टेस्ला आने वाले टाइम में शिबा को एज अ पेमेंट एक्सेप्ट करेगा? वैसे एलन मस्क ने अभी तक यहां पर ऐसा नहीं कहा है कि वो शिबा को एक्सेप्ट करेंगे या फिर वो शिबा को अभी होल्ड करके रख रहे हैं, लेकिन आने वाले टाइम में कुछ भी हो सकता है। अगर आप यहां पर एक ट्वीट देखें, आई हैव रीड कोड दैट इज सपोजली फ्रॉम टेस्ला सर्वर्स, दिस कोड अलाउज फंक्शनली फॉर टेस्ला टू एक्सेप्ट शिप अस पेमेंट। अगर इनके ट्विटर हैंडल की बात करें तो लगभग 48,000 फॉलोअर्स आपको यहां पर देखने को मिल जाएंगे, और इनका यह मानना है कि मैंने कोड्स को रीड किया है और मुझे ये लग रहा है कि आने वाले टाइम में टेस्ला शिबा को एज अ पेमेंट एक्सेप्ट कर सकती है। अगर ऐसा होता भी है दोस्तों, तो काफी बुलिश न्यूज होगी ये शिबा के लिए, क्योंकि शिबा का प्राइस आप देखेंगे काफी ज्यादा ऊपर की ओर जाता हुआ आपको नजर आएगा। वैसे आज के समय में अभी तक कोई ऐसी न्यूज नहीं निकल कर आ रही है। अगर हम यहां पर एक और न्यूज की बात करें जो शिबा की यूटिलिटी से जुड़ी हुई, तो इस वीक में एक बड़ी अनाउंसमेंट हो सकती है दोस्तों। AMC थिएटर के जो CEO है, CEO एडम, उनके द्वारा ये अनाउंसमेंट हो सकती है कि वो शिप को एक्सेप्ट कर रहे हैं उनके थिएटर में, जहां पर आप टिकट्स को परचेस करने के लिए शिबा का यूज कर सकते हैं। वैसे अगर अभी की बात करें तो क्रिप्टो करेंसी को एक्सेप्ट जरूर कर रहे हैं, लेकिन अभी उन्होंने वो शुरू नहीं किया है। लगभग दिसंबर तक या फिर नेक्स्ट ईयर तक ये जो इनका प्लान है वो शुरू हो जाएगा, जहां पर वो BTC, इथीरियम, साथ ही
डॉज कॉइन को भी एक्सेप्ट करने वाले हैं और उसके साथ आपको वहां पर शिबा इनू कॉइन भी देखने को मिलेगा दोस्तों। वैसे अभी तक अनाउंसमेंट नहीं हुई है लेकिन इस वीक हो सकती है क्योंकि पोल अभी भी चल रहा है और उस पोल में अगर आप देखेंगे दोस्तों तो अभी तक सबसे ज्यादा जो वोट डले हैं वो हां के ही डले हैं। हर कोई चाहता है कि शिबा को एक्सेप्ट करना चाहिए एएमसी को, लगभग 80 से 90। और दोस्तों यहां पर रॉबिनहुड को लेकर एक और न्यूज बहुत ही ज्यादा वायरल हो रही है, रूमर्स एक तरीके से हम कह सकते हैं कि क्या शिबा रॉबिनहुड पर लिस्ट होने वाला है कल के दिन में। तो यहां पर अभी तक रॉबिनहुड की तरफ से कोई भी ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं हुई है। वैसे आज 1 नवंबर है और आज की अगर हम बात करें तो कॉइन मोमो ने कहा था कि शिबा 1 नवंबर को लिस्ट होने वाला है रॉबिनहुड पर, लेकिन रॉबिनहुड की तरफ से अभी कोई अनाउंसमेंट नहीं हुई है इससे रिलेटेड। और अगर ऐसा होता है दोस्तों, अगर शिबा रॉबिनहुड पर लिस्ट होता है तो आप देखेंगे शिबा में एक बड़ा ब्रेकआउट देखने को मिल सकता है। दोस्तों यहां पर ब्लूमबर्ग क्रिप्टो के द्वारा जो क्रिप्टो न्यूज यहां पर शेयर करते हैं उनके द्वारा रॉबिनहुड को लेकर एक आर्टिकल पब्लिश किया गया है, रॉबिनहुड इन्वेस्टर्स हु मिस्ड आउट ऑन डॉज कॉइंस रैली अर्लियर दिस ईयर नाउ वांट द चांस टू राइड शिबा इनू ऑटम्स। जहां पर जो रॉबिनहुड यूजर्स हैं जिन्होंने डॉज कॉइन की रैली को मिस किए, वो चाहते हैं कि वो शिबा इनू कॉइन की रैली को मिस नहीं करे, लेकिन क्या रॉबिनहुड यहां पर शिबा को लिस्ट करेगा? लेकिन शिबा को रॉबिनहुड की तरफ से अभी तक एक्सेप्ट नहीं किया गया है। रिटेल इन्वेस्टर्स की बात करें दोस्तों तो रिटेल इन्वेस्टर्स को ये टोकन बहुत ही ज्यादा पसंद आ रहा है और उन्हें ये लग रहा है कि नेक्स्ट डॉज कॉइन हो सकता है। डॉज कॉइन इसलिए दोस्तों क्योंकि डॉज कॉइन का प्राइस लगभग 55 रुपीज तक पहुंच गया था, अभी शिबा का प्राइस 1 रुपए भी नहीं पहुंचा है, ना तो 10 पैसे पहुंचा। और अगर ऐसा हो भी जाता है दोस्तों तो बहुत सारे लोग यहां पर मिलियंस भी बन सकते हैं क्योंकि कई लोगों ने मिलियंस ऑफ क्वांटिटी में शिबा इनू को होल्ड करके रखा हुआ है। आपने कितनी क्वांटिटी में लिया है दोस्तों, आप भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर हम रिटेल इन्वेस्टर्स की बात करें दोस्तों तो ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं किसी भी करेंसी के लिए। और यहां पर आप देख सकते हैं एक आर्टिकल पब्लिश किया गया है, रिटेल इज हियर दे आर बाइंग शिबा इनू कॉइन इंस्टेड ऑफ बीटीसी। जहां पर जितने भी रिटेल इन्वेस्टर्स हैं उनका जो अब फोकस है वो शिबा इनू कॉइन पर भी बढ़ चुका है। बीटीसी जिस पर वो पहले ज्यादा इन्वेस्ट करते थे उसकी बजाय आज के समय में वो शिबा इनू कॉइन को बाय कर रहे हैं, तो एक अच्छा सपोर्ट यहां पर रिटेलर्स की तरफ से भी मिल रहा है। और दोस्तों यहां पर अगली न्यूज जो डॉज कॉइन से जुड़ी हुई है आप यहां पर देख सकते हैं, डॉज कॉइन के प्राइस में आज लगभग 8% का पंप आया था, वैसे अभी थोड़ा डाउन में चल रहा है। और दोस्तों यहां पर कहा जाता है कि एलन मस्क का जब भी ट्वीट आता है डॉज कॉइन पर उसका इंपैक्ट देखने को मिलता है, डॉज कॉइन का प्राइस पंप होता है। लेकिन अगर हम यहां पर देखें तो डॉज कॉइन का प्राइस पंप जरूर हुआ लेकिन इतना ज्यादा इंपैक्ट यहां पर देखने को नहीं मिला, कुछ समय के लिए प्राइस जरूर बढ़ा था लेकिन अब डाउन में आ गया। यहां पर एलन मस्क ने एक ट्वीट किया, आई एम थिंकिंग ऑफ स्टार्टिंग न्यू यूनिवर्सिटी टेक्सास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंस। जहां पर ये कह रहे हैं कि मैं एक नई यूनिवर्सिटी बनाने के बारे में सोच रहा हूं, स्टार्ट करने के बारे में सोच रहा हूं, जिसका नाम होगा टेक्सास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी और साइंस, और वहां पर जो ट्यूशन आपको दी जाएगी वो डॉज कॉइन में दी जाएगी एंड यू गेट अ डिस्काउंट इफ यू हैव अ डॉज। अगर आपके पास डॉज कॉइन है तो वहां पर जो फीस लगेगी वो डॉज कॉइन में दी जाएगी और आप डॉज कॉइन में पेमेंट करके वहां से पढ़ सकते हैं। दोस्तों एक काफी बुलिश न्यूज भी हो सकती है डॉज कॉइन के लिए, लेकिन अगर अभी की बात करें तो अभी इतना ज्यादा यहां पर इंपैक्ट देखने को नहीं मिल रहा है। फिर भी अगर आपने यहां पर डॉज को होल्ड करके रखा हुआ है दोस्तों या डॉज को खरीदा है तो बिल्कुल आप इसे होल्ड करके रखिए। डॉज डीप में जाता है तो कुछ क्वांटिटीज में इस कॉइन को जरूर रख ले क्योंकि यहां पर इनका कोई मास्टर प्लान मुझे नजर आ रहा है एलन मस्क का, क्योंकि इनका सपोर्ट हमेशा से देख रहे हैं आपकी बना हुआ है और इन्होंने डॉज को होल्ड करके रखा हुआ है, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है अगर हम कुछ क्वांटिटीज में यहां पर डॉज कॉइन को भी आगे लेकर चलते हैं, क्योंकि अगर डॉज भी आगे जाता है तो आपको उससे फायदा ही होगा। दोस्तों शिबा पर इनके ट्वीट का कोई इंपैक्ट यहां पर देखने को नहीं मिलेगा और नहीं मिल भी रहा है। अगर आप यहां पर देखें तो इकोसिस्टम में जितने भी टोकन है शिबा इनू के वो अभी अच्छे खासे ऊपर की ओर जा रहे हैं और यहां पर जो वीक शुरू हुआ है वो एक तरीके से बुलिश वीक शुरू हुआ है शिबा इनू के लिए। अगर हम शिबा इनू की यूटिलिटी की बात करें दोस्तों तो यहां पर यूटिलिटी लगातार बढ़ती जा रही है, पेरिस में आपने देखा, ब्राजील में आपने देखा, वेनेजुएला में आपने देखा, जहां पर शिबा को एज अ पेमेंट यूज किया जा रहा है, एक्सेप्ट किया जा रहा है, जो मर्चेंट्स आ रहे हैं, जो बिजनेस आ रहे हैं वो लगातार एक्सेप्ट करते जा रहे हैं। और ये न्यूज आप देख सकते हैं मेक्सिको से निकल कर आ रही है, जहां पर मेक्सिको के एक रेस्टोरेंट में भी आप यहां पर देख सकते हैं शिबा को एक्सेप्ट किया जा रहा है। और शिबा के साथ साथ कुछ और करेंसीज भी आपको यहां पर देखने को मिल जाए। जो शिबा की यूटिलिटी है वो लगातार ग्रोथ कर रही है, कई लोग यहां पर शिबा को एक्सेप्ट इसलिए भी कर रहे हैं दोस्तों क्योंकि आने वाले टाइम में आप देखेंगे शिबा के प्राइस में एक बड़ा पंप देखने को मिलेगा, तो इनको बहुत ही ज्यादा फायदा होगा। हम यहां पर शिबा के प्राइस की बात करें दोस्तों तो ब्रेकआउट देखने को मिलने वाला था और वैसा मिला भी, प्राइस अभी थोड़ा ऊपर की ओर जा रहा है। डीप में आपने अगर इसे बाय किया है तो होल्ड करके रखिए, आने वाला वीक भी यहां पर बुलिश हो सकता है। अगर और कुछ अच्छी न्यूज निकल कर आती है रॉबिनहुड को लेकर भी दोस्तों तो आप देखेंगे शिबा के प्राइस में भी एक फिर से बड़ा पंप देखने को मिल सकता है। और कोई भी अपडेट पाने के लिए दोस्तों
चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, साथ ही टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर ले। थैंक यू।